अभी 2021 की जो जनगणना हो रही है वो जनगणना जो है जनगणना जाति के आधार पर होनी चाहिए ताकि हर जाति का परसेंटेज कितना है इसी तरह उसकी जानकारी भी मिल सकती है। मेरे पार्टी की तरफ से मेरी ये भी मांग है कि महाराष्ट्र में मराठा समाज आरक्षण मांग रहा है, हरियाणा में जाट समाज आरक्षण मांग रहा है, राजस्थान में राजपूत समाज आरक्षण मांग रहा है, यूपी में ठाकुर समाज आरक्षण मांग रहा है, तो क्षत्रिय समाज की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी अपने देश में है, तो इनके लिए भी मतलब जिस तरह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण देने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने ले लिया है। कंक्लूड करिए, हो गया दो एक, एक मिनट भी नहीं हुआ, एक मिनट दो मिनट। आपका नाम माननीय चेयरमैन साहब ने पुकारा था, आप उस वक्त थे नहीं, अब समय कम हो गया, प्लीज बैठा हूँ मैं, प्लीज 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 प्लीज। अब इसीलिए मतलब जो क्षत्रिय समाज है उनके लिए मतलब अलग से आरक्षण देना चाहिए, इसी तरह की हमारी सूचना है। और बाकी जिस तरह शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के संबंध में भी विचार होना चाहिए। इसके साथ साथ मतलब जो अभी किसान बिल जो आया है तो इस किसान बिल के संबंध में मतलब हमारा कहना यह है कि भाई नरेंद्र मोदी जी किसानों के होठों पर सत्ता में दूसरी बार आए हैं, वो नरेंद्र मोदी क्यों किसानों के खिलाफ बिल लाएंगे? ये बिल मतलब ये बिल बोल रहे हैं कि भाई ये बिल है काला, मतलब ये सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई ये बिल है काला, और जो बोलते हैं कि ये बिल है काला उनके मुंह को क्या लगाना है क्या ताला? मतलब उन्होंने मतलब ये बिल इतना अच्छा है कि इस बिल का समर्थन मतलब होना चाहिए था। आंदोलन करने वाले किसानों के बारे में हमें बहुत बड़ा आदर है, और लेकिन इतने दिन आंदोलन नहीं करना चाहिए, हमने भी आंदोलन किया है, आंदोलन करते करते हम भी लोग इधर आए हैं, लेकिन इतने दिन किसानों को तकलीफ देना, जो 170 उनका मृत्यु हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो इसीलिए मुझे लगता है कि आंदोलन मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दिया है तो आंदोलन की क्या आवश्यकता है, आंदोलन पीछे लेने की आवश्यकता थी? और सरकार ने भी बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा वो हमें मंजूर है। ABP News आपको रखे आगे।